गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा आज है दिल्ली में लास्ट डे, और जाने से पहले मैं जा रही हूँ अपने ससुराल मम्मी से मिलने के लिए। पर उससे पहले मैं जा रही हूँ नेल्स कराने के लिए, बिकॉज रिति की ना एक यहाँ पे मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी यहाँ दिल्ली की उसका नेल स्पा है, तो वहाँ पे उसने बोला कि ज्योति यू शुड कम विद मी एंड गेट योर नेल्स डन। अब मेरी बारी तो आई रखी है नेल्स की, तो कह रही वहीं से करा के जा, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और पेडिक्योर भी कराना है, तो एक दो चीजें कराएंगे और फिर उसके बाद सीधा मैं और रिति दोनों मम्मी के पास निकल जाएंगे। क्योंकि उस दिन जिस दिन मैंने मम्मी को बताया है परसों कि मम्मी मैं इस फलानी तारीख को आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, तो मम्मी कह रही छोरी ने लेके आई हो, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि भाई रिति को लेके आई हो। रिति कैसा लग रहा है, नर्वस तो नहीं हो रही तू मम्मी से मिलने के लिए? नहीं, वैसे मिली हुई है, मिली हुई है। हाँ, एक बार मम्मी पापा आए हुए थे बॉम्बे, तब काफी बार मिली उस टाइम। हाँ, रहे थे ना तब, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अगल बगल में रहते थे, वी वर लाइक लिटरली नेबर्स ना, वो यारी रोड पे, याद है? हाँ, exactly. अच्छा, बाय द वे आई वांटेड टू आस्क कि एक तो हम लोग वहाँ पे कितनी देर बैठेंगे, और उसके बाद वापसी में बिकॉज आई वांट टू पिक अप सम स्टफ फॉर समथिंग, तो आई नो, तो ये तब तक व्लॉग ऊपर चला जाएगा? नहीं नहीं, तब तक नहीं जाएगा। हाँ, ये तो अभी बड़ा लेट आएगा व्लॉग। अच्छा ठीक है, हाँ, तो आई वांट टू पिक अप सम स्टफ फॉर कोको। हाँ, तो हम लोग वापसी में अगर हमें टाइम ढंग का लगा और यू बी कंफर्टेबल, तो हम लोग चलेंगे मॉल। वैसे काफी बार मैं वृति को कल काफी लंबी डिस्कशन हो चुकी है, जिसमें मैं कन्विंस करने की कोशिश कर चुकी हूँ कि मत कर भाई मत कर, बट ये और इसकी मम्मी बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अभी जब मम्मी पापा से मिलने जा रही है, तो उनके कपड़े वपड़े सब कुछ लेके जा रही है। ये कुछ डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों बता रही हूँ मैं, लाइक यू गाइस आर डूइंग सो मच, इट्स नॉट दैट। नहीं देख, जब आप किसी से रिश्ता बनाते हो, व्हेन आई कॉल यू माय सिस्टर, मम्मी तेरे को बेटी बोलती है, तो आई एम गोइंग टू योर इन लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट इज नथिंग, है ना? और आप यार, हम पंजाबी लोग हैं, हाँ, खाली हाथ नहीं जाते। दोस्ती यारी में नहीं होता, फिर तो तू तो रिश्ता है। दे आर डूइंग अ लॉट, इट्स नॉट अ लॉट, इट्स जस्ट लव, या देयर इज नथिंग लॉट। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय द वे, मैंने पहना क्या है वो बता देती हूँ। अगेन मांगे हुए कपड़े वृति के, बट वृति और मेरे कपड़ों में कोई मांगे हुए कपड़े नहीं है एक्चुअली। हम पहले भी कितने पहनते थे एक दूसरे के, याद है? Exactly. पार्टी जाना होता था, अगर दूसरे की ड्रेसेस उठा के पहन ली, तो सबसे पहले कि तेरी अलमारी में क्या है, मेरी अलमारी में क्या है, एक दूसरे के ही पहनते थे ज्यादा। पहले तो ये भी होता था, अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रेस पसंद आ गई, ये वाली मैं रख रही हूँ, तुझे जब चाहिए होगी मुझसे ले लेना पहनने के लिए, ऐसे भी होता था। बस पहले होता था हॉट हॉट ड्रेसेस, और अब ये सूट सूट। नहीं, हम लोग ड्रेसेस भी एक्सचेंज करेंगे। Don't think we are just a suit Nariola. But then you're looking really nice. हाँ, and I'm glad you picked up, पता है? हाँ, कल वाले जो सूट तूने उठाए ना, हाँ, यही देख के तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं मेरे 90% माई वार्डरोब इज चिकनकारी, मेरे को यही पसंद है। ओके, पहुंच गए हम। ये है वृति के नेल्स, ये वृति का, ये जो देख रहे हो आप, ये गोवा में टूटा था, बड़ी गंदी चोट लगी थी इसे, मैंने व्लॉग में या किसी चीज में डाला नहीं था, बिकॉज हम लोग की फटी हुई थी खुद से। हाँ, इट केम आउट फुली जोर से। हाँ, अब तो बहुत ठीक हो गया, नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो गया था इस नेल का। 2 महीने और 3 महीने और तो पूरा आ जाए, फिर ही करवाऊंगी, वो तभी कह रहे थे नहीं। मेरे हाथ में मेरा बैग, बस तूने वो मम्मी पापा वाला सामान लिया था, वही है ना? बस दैट्स इट, मेरा पर्स था मेरे पास, और कुछ नहीं था ना। चल वो तो छूटेगा भी, तो मेघा क्या छूटेगा, ले लेंगे। चलो गाइस, हम लोग निकल गए, बहुत अच्छे हो गए नेल्स, आराम से दिखाऊंगी। अब हम जा रहे हैं सीधा मम्मी के यहाँ, थोड़ा लेट हो गए हैं वैसे, जो एक्सपेक्ट किया था कि इतने बजे तक निकल के इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, उससे हम आधा घंटा लेट चल रहे हैं। आज बड़े दिनों बाद बाल खुले छोड़े हैं, बट मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर में और बस जूड़े पे आने वाली हूँ। अच्छा, ये फोन पे है,
मुझे लगा तो लगा मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ, और मेरे को लगा ये 12:40 क्यों कर रहे हैं वो फोन पे। अच्छा, 2:30 बज गए, सोचा था 2 बजे तक निकलेंगे, बट इट्स ओके। थोड़ा वो कारण बस यही था कि टाइम से वापस आ जाए, क्योंकि अंधेरे में ना थोड़ा यू नो ना वी गेट स्केर्ड। दो जवान लड़कियां खुली तिजोरी की तरह होती हैं। भैया आप अभी भी फोन पे ही बात कर रहे हो? फिर ठीक है। ओह शिट। सी यू गाइस। आज आंटी ने फिर बड़ी क्यूटली मेरे को अब प्रोटीन बार दे दी है। आज निकली हूँ तो रोज ही दे देते हैं कुछ जाते हुए। खाली नहीं निकलने देते मेरे को, भी निकलने देते बैग कुछ ना कुछ रख देते। अच्छा मेरे को बता, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू मेट योर मदर इन लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम? आई वॉज वेरी नर्वस ऑब्वियसली। हाँ, नर्वस ही थी, मेरी रिएक्शन यही था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी और मैं डर भी गई थी। और उनका रिएक्शन क्या था? शी वॉज वेरी न्यूट्रल। मतलब कई लोग होते हैं ना जो अपने एक्सप्रेशंस नहीं, मतलब जाहिर नहीं करते हैं, तो मुझे पहली बार में उनके एक्सप्रेशंस कुछ समझ ही नहीं आए थे कि हाउ इज शी फीलिंग, डस शी लाइक मी और नॉट, डस शी हेट मी, वो सब चीजें चल रही थी। मुझे उनका कुछ नहीं पता चल सका व्हाट वाज शी थिंकिंग एट दैट टाइम, तो इसलिए मैं बहुत नर्वस थी। और अब जैसे 5 साल में ऑब्वियसली योर रिलेशनशिप हैज ग्रोन विद हर, ठीक है, सो व्हाट वाज इट, आई मीन नाउ हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद हर? अभी हम तेरे इन-लॉज के पास जा रहे हैं ना, तो मुझे ये अमेरिका में जानू, बिकॉज आई don't know about in-laws and all na, so how is it different? You will soon get to know. But I'm asking about you. Haan, how mera, is it different? Different ye hai ki yaar main I think Kamal ke baad अपने दिल की बात अगर किसी से कर पाती हूँ, मतलब मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, कमल के बाद अगर मैं किसी से दिल की बात कर पाती हूँ, दैट्स माय मदर इन लॉ। मैं उनके आगे रो सकती हूँ फोन लगा के, मैं शिकायत लगा सकती हूँ कमल की। और अभी तो मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मम्मी ऐसे ना होते तो मेरा क्या होता भाई। तो आई एम वेरी 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 लकी उनकी आदत टीवी देखने की, अब तो मुझे पता नहीं है। और वो याद है टीवी देखते क्या करती है? प्रॉम्प्ट करती है, जैसे अगर कोई सीन चल रहा है और किसी ने टीवी में बोला कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो वो पता क्या है, वो देखेंगी ना भाई। मतलब और क्योंकि मैं जब एक दो बारी स्टार्टिंग में हुआ था ना, मैं घर में थी और मैंने कहा मैं बाहर गई, मैंने कहा पता नहीं आंटी कैसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने तुझे बताया। फिर इसने मुझे बताया और आंटी प्रॉपर जवाब देते हैं। आंटी बोलते हैं अगर कोई बोलेगा ना मैं तुझे मार दूंगा, नहीं ना भाई, ना भाई, गलत बात है। वो ऐसे करते हैं, तो जो भी टीवी पे चल रहा होता है वो साथ साथ उसका जवाब देते रहते हैं। अरे ना भाई, शी इज वेरी इनोसेंट, शी इज वेरी क्यूट। मैं भी आज इतने टाइम बाद जा रही हूं, सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी हर। ओके, हम लोग पहुंच गए हैं, वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम शॉप जहाँ से मम्मी के लिए थोड़ा सामान लेके जा सकूँ, क्योंकि रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं रोकी यार, थोड़ा ट्रैफिक व्रैफिक इतना था, सोचा सबसे पहले निकल लें। तो लेट्स सी, बूमर स्कूल बूमर और वो आई थी एल्पन लीबे, पता कितनी बड़ी बात थी, पता क्यों? क्योंकि वो 1 रुपए की सिर्फ एक या दो ही आती थी लीबे, उससे बड़ी फॉक्सेस तो खाई थी मैंने कभी, एक आता था फटाफट। हाँ मैं आज तक खाती हूँ, घर में पड़े मेरे ड्रॉअर में, मत बता रात को फिर खा रही होंगी। मैं बताती हूँ, आम पापड़ तो बता, रोज रोज वही बता रही हूँ, रोज रात को बेड पे आती मेरे को ऐसे करती है, आम पापड़ दे, आम पापड़ दियो, और फिर आम पापड़ तो खाई खाएगी, चटोरी उसका नमक काटती रहती है। आम पापड़ तो मैं 3-4 पीस ही खाती हूँ, छोटे छोटे, मेन में मसाला खाती रहती हूँ। और मैं आम पापड़ वो वाला कैसे खाती हूँ, मैं उसको किसी कप में निकाल के पहले वॉश करती हूँ, उसका मसाला उतारती हूँ। तो अब आगे से क्या करेंगे? तो मैं तेरे लिए मसाला स्क्रैप करके रखूँ? नहीं, आगे से तू पहले मुझे आम पापड़ दियो, मैं चूस चूस के जो चाट के दे देगी। ठीक है, डन, ठीक है। मुझे लगा मैं ये छोड़ा था क्या, नहीं नहीं है भगवान, चलो लेट्स गो टू द ससुराल। थैंक यू।
माते मैं पूरा नाच लिया, आपके पीछे खड़े हो गए, आपको पता नहीं चला। मैं पिटी हूँ जान लो, अच्छा पता नहीं। ये वृत्ति मम्मी नमस्ते। ये आप खड़े से नाच रही थी। अच्छा और नाचने में तो एक नंबर है। सिक्योरिटी की बंद क्या आंटिया से भी अरे टीवी से बंद किया मम्मी, वो पीछे आवाज आएगी ना। और थोड़ी देर नहीं होगी तुम भाई हैं? देर देर आऊंगी थोड़ी सी। अरे मम्मी हमने पूरी कोशिश करी, पता है 2 बजे के निकले हुए हम, 2 बजे के निकले हुए, देखो 4 बजे पहुंचे हैं। मम्मी इतना जाम यार, आ भी तो कहाँ से रहे हैं हम दिल्ली में। आंटी घुटनों में क्या हो रहा है? मेरे घुटने में दर्द है आंटी, मेरे भी। आप और मैं सहेलियां हैं, इसके घुटनों की बहुत गांठ लगी। मेरे को डॉक्टर ने तो बोला कि शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे रहने दी छोरी, नहीं करवा रही मैं, नहीं करवा रही। थैंक यू बाबू, थैंक यू आंटी, नहीं करवा रही मैं। अब एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे तो दोनों घुटने हैं, अंदर जो बेसिकली जेल होता है ना वो फट गया है, खत्म हो गया, खत्म हो के बाकी वो फट गया है। सारी अभी तो मैं सीधा चल रही हूँ, 6 महीने हो गए हैं अब, बहुत ज्यादा हो गया था पहले। पहले तो मैं बिल्कुल बिस्तर पे थी। कुछ फर्क है, फर्क है क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, जो डॉक्टर बोल रहे दवाइयों पे हूँ। फिर हो जाएगा ऑपरेशन ना करो, जमीन पे नहीं बैठ सकती, मैं मोड़ नहीं सकती। कोई बात ना, मुड़ना सीख पचल तो लेना उसे, बस तू इतना हाँ जी मत मोड़ कोई नहीं। आपको क्या हुआ? मेरे घुटने में दर्द है इसमें, एक में। तो क्या कह रहा डॉक्टर? कह रहा घुटने बदलेंगे माँ। अच्छा, अंकल को पता होगा सफदरजंग जो स्पोर्ट्स एंड इंजरी जो मेरे वाला है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर इनका वो एम्स में दिखा पा रही बेटा, तो उन्होंने बोला है कि नहीं करनी पड़ेगी उसको। के नाम सर टू अल्ट्रासाउंड करवाया तो देखा यार, उसके बाद बोला उन्होंने। मेरा भी रहता अभी नहीं है कराने का, पति जब कमाऊं जी नहीं कराना अभी, अभी चल रहा नहीं, ऐसी दर्द नहीं मेरा, जब जैसे गणित चल जाऊंगी। हाँ जी, उसके बाद होता है तो उनको कितना सफर करना पड़ा बेचारों को, बस इतना उसमें होता मेरे को। वैसे कितनी लग रही है क्यूट हो आप, मेरे का परसों तो खांसी जुकाम बुखार आ गया। अच्छा मम्मी बस दो रोक दिया क्या बुखार कब आया आपको? परसों बुखार था आपको? परसों रात को बुखार था मेरे। अच्छा अब उतर गया? अब उतर गया थोड़ा, हाथ पे चढ़ गया थोड़ा सा, ज्यादा चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज है इससे ज्यादा हो रही है। देखो क्या, क्या ओ हो भगवान मम्मी कह रही कब कैमरा लगा देती है, पता ही नहीं चलता। वेरी इनोसेंट, आई लव हर, शी इज वेरी क्यूट, शी इज लाइक टोल्ड दिया, शी इज लाइक वैसी कर आगे तो यार मतलब बहुत अच्छी है द इनोसेंस नो इन लोगों के शक्ल पे। हम तो मैं तो लुच्ची हूं मेरे को कोई देख के बोल दे ना हाँ शी सो इनोसेंट, मैं उसको अपना घर बार जायदाद दे दूं। पापा लेके आए गरम गरम पकौड़े, ये तो खाएगी ना, मीठा नहीं मैं खोल रही, मैं मीठा भी बहुत सारा लेके आए हैं, बट वील नॉट ईट मीठा ना। तो हम लोग बैठे हुए हैं मम्मी के साथ, पापा भी थे, पापा चले गए, मम्मी के साथ बैठे हैं मस्त, खूब सारी बातें बातें कर रहे हैं, और अब थोड़ी देर में निकलेंगे, मतलब और 10-12 मिनट में निकलेंगे। मम्मी नमस्कार। नमस्कार हाँ नहीं आपको नमस्कार कुछ कहना चाहोगे मम्मी आप? कुछ ना क्या जाती 2 घंटे ना आई चल वृति तो देख देख के मम्मी को वेरी क्यूट यार और स्माइल बहुत ही प्यारी है। मैं बता रही मैं तो आपके साथ हंसते बोलते बतलाते कहीं घूम करते बेटा, आपको पता है मैंने बेटा मैंने बोला था, ये कहती ना ना फसा रही है मम्मी, फसा रही है जान के फसा रही है। ये देखो ये देखो मैं बताती हूँ, मेरी माँ की साइड ले लेती है, आप मेरी साइड हो, मेरी माँ इसकी साइड बदले ले रही है, जब आप और मैं एक साइड है। इसकी और मम्मी की कोई बात होती है ना तो मैं मम्मी इसकी मम्मी की साइड ले लेती हूँ, तो इसलिए अब ये मेरे से बदला लेती हूँ। पेट भरा हुआ है मम्मी, अरे तो कौन खाएगा? मैं नहीं खाऊंगी तो ना, मैं इतना नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। चल ये खाया, इसने अपना पकौड़ा भी खाया है। अरे झूठी, मैंने अपना पकौड़ा खाया है, तेरे पास पकौड़ा दम बन गया है। अच्छा ये वृति आपके लिए जो जो सामान लेके आई है पहले वो पकड़ो, ये जो तुम दूसरा जमा खा। मैंने इसको मना किया है मम्मी, इसकी मम्मी को मम्मी लाई है। अच्छा कुछ भी नहीं है, ए लड़की आउट ऑफ लव, ए लड़की आंटी ने मेरे को 300 का बोले, ए लड़की ये पापा के लिए है, ये अंकल के लिए, ठीक है मम्मी मैंने मना किया है इनको। ये आप
अच्छा लगेगा बस मेरी बात बता दो, ईश्वर के शॉल है। अरे आप मेरे से बात करो, मैं नहीं बैठी। नहीं देखती है बेटा, तो बस ठीक है। और ये फल है, फल खाने से खांसी ठीक हो जाती है बेटा। बेटी का मर लिया ना है। नहीं कोई बात नहीं, हमारे में बेटियां देती भी है। उसकी मम्मी ने भेजा है, मम्मी ने भेजा। मम्मी ने कल हम जब लाजपत नगर गए हुए थे तो पीछे से जाके ले आई है। हाँ फिर आके मेरे को दिया है कि कल जा रही है, तो मेरी तरफ से उनको दियो। यहाँ पे ठंड बहुत है, ले लेना। नहीं मैं शाम तक मैं ले लूंगी, पर तू क्यों देख आई? अरे ऐसे ही क्या हो गया, मैं ला नहीं सकती बेटा। बेटी ना जाकर मारे, मैं नहीं लाई, वो ब्याही हुई मेरी मम्मी पापा से, वो लाई है। मैं तो फिर आपकी क्या हो गई यार, इसको बहन बना लिया, कोको को भाई बना लिया, आपको दादी बनाऊंगी। रिश्ता ही नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। कोई बात, ये ले खाना ही पड़ेगा। आधा तो खा रही है। नहीं, नहीं। पूरा नहीं खा रहे हो? खा ले, बैठो बैठो, हम चलिए। नाना नीचे जाता होगा तेरे अंकल। अच्छा ठीक है, चलो गाइस निकल रहे हैं। मम्मी एक नेबर के साथ आ रही हैं पीछे, और वो डिस्कस कर रही हैं कोई तो बीमारियां। मन के हिले हुए ज्योति देख, फ्यूचर सेल्फ है, फ्यूचर, हम लोगों ने यही करना है, हमने यही करना है। ज्योति मेरे को कुछ, मेरा तो गड्ढों की ग्रीस खत्म हो गई है। मैं कहूंगी हाय जय माता दी यार, कुछ ओके भाई, पर को मिलती हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ। नहीं बट एक्चुअली ज्योति हो हमारे साथ, देख तो होना ही है। लो जी हम लोग निकल गए हैं और अब जा रहे हैं सीधा वृद्धि के घर, जा रहे घर मफू के पास। टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 9 मिनट, बट 1.5 घंटा पकड़ के चल। मफू ओ तेरी तेरी तरफ देखा, फिर कह रहा नहीं, ओ मम्मी, ओ मम्मा हाय हाय। हाँ जी। माफी बस प्रीति, वेरी सॉरी बाबू, तेरी मूवी है, शुक्र है, शुक्र है। बस एक बार फॉर्मेलिटी पूरी करी है। हाँ जी, हाँ जी। लाइव एग्जांपल है, सासे कहती है ना बेटे बदल जाते हैं शादी के बाद, लड़की मिलने के बाद, ये देखो मेरी औलाद बदल गई मेरी औलाद। अभी तो ब्याह हुआ भी नहीं है, पहली बारी मिली है। अच्छा ये पहला प्यार है ना उसका, पहला प्यार। हाँ बेटा बस बेटा, बच्चे इधर पप्पी डरे होंगे, बच्चे के राम मेरी जान है। मेरा मक्खन मलाई उसे मैं ही चाहिए। हाँ जी क्या है बीबी, बॉश बॉश। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मतलब ही बात। और कैसे हो? ठीक हूँ आंटी। मम्मी इसकी सास इतनी प्यारी है, आज मैंने आज मुझे दिली खुशी मिली है। आंटी इसको डांट रही थी और आंटी का साथ दे रही थी, आप जैसे एक टीम हो जाते हो, आज मेरे साथ कोई था। मैं आंटी फिर मैं क्या आंटी सच्ची सही आंटी, फिर बोल रही थी कोई आपका साथ दे रही हो आंटी, हंसी इतनी क्यूट, इतनी क्यूट है इसकी सास। ओहो मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया, इसको डांट पड़ी तो अच्छा लगा, मतलब सुकून मिला। हाँ थैंक यू। तो कुछ हमेशा मतलब सॉन्ग इज मैन कलर, पिछली आंटी को नेल्स नहीं पसंद आए प्रीति के, मुझे पड़े पिछली बार इसने। अरे मेरी माँ को कोई भी 2 शेड से ज्यादा लग जाए नहीं पसंद आते, मुझे नहीं इसको अच्छे नहीं लगते हैं। आंटी मेरे कैसे हैं सिंगल शेड? इसने ये कराया था ना पिछली बार। आंटी मेरे कैसे हैं ये वाले शेड? अरे बोल दो शेड, बड़े सोहने हैं, है ना? मेरे लग रहे हैं नहीं तेरे, ये मेरे साथ मेरी क्लास में होती ना, सच में तेरे को अभी तक मार चुकी होती। दाल मखनी, आलू गोभी, मसाला गोभी, मसाला गोभी सब्जी, सरसों का और सरसों का साग, सैलेड, रोटियां आ रही हैं। ओ हो मजा नहीं लगी। प्रीति तेरा चश्मा बहुत अच्छा लगता है मुझे, पहले मैंने सोचा था मैं बनवा लूंगी, पर मैंने लगा के देखा तो मैं बहुत ही झंड लग रही थी इस चश्मे में, तुझ पे अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लेट्स ईट। यस बाय। इस लड़की ने मुझे अभी इंट्रोड्यूस किया है किसी को। आंटी सुन रहे हो आप साथ साथ? इस लड़की ने कहा है मनीषा मिली तो इस लड़की से, वो कह रही कि हाँ मिली, ये मेरी बड़ी बहन है जिसकी हमने शादी कर दी, ये बहुत बड़ी बोझ थी हमारे घर पे, घर घर राशन खत्म कर रही थी तो हमने इसकी शादी कर दी। Did I say something wrong? Good morning guys, मेरी
11 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे मुझे घर से निकलना है, तो 6 बजे मैं उठ गई हूँ पैकिंग करने के लिए, बिकॉज रात को पैकिंग नहीं की है। काफी हद तक वैसे सामान पैक ही पड़ा है, बट आई हैव टू अरेंज एवरीथिंग नाइसली। बाय बाय वृता। गाइस निकल रहे हैं। मेरे को तो बाय बाय बोल मत। बाय ऋतु। लव यू। ओके गाइस निकल लिए, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गई हूँ, बट एनीवेज मैं बहुत मार्जिन टाइम हमेशा लेके चलती हूँ, आज भी लेके चल रही हूँ, सो इट्स फाइन। बट आई जस्ट होप कि बीच में कोई जैम ना मिले। एंड आज जब मैं घर जाऊंगी तो बच्चे तो होंगे, बट कम्मू नहीं होगा बिकॉज उसका शूट है। मैं फाइनली बॉम्बे इतने दिनों बाद, और कैब कर लिया, ओला कर लिया, और अब जा रही हूँ घर। बड़े सारे फोन आ गए थे बीच में, पहले कमल का फोन आ गया, फिर उसके बाद मेरी सासू माँ का, उसके बाद रिति की मम्मी को मैंने फोन किया बताने के लिए कि पहुँच गए, तो आई वाज ऑन द कॉल्स। उसके बाद अभी ऐसा है कि आई एम सो एक्साइटेड टू मीट बच्चे यार उनसे, मतलब वैसे 10 दिन के लिए, 10 दिन भी दूर रहो तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने महीनों बाद मैं उनको देख रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी आदत है साथ रहने की। और कम्मू से तो फ़ोन पे चलो बात होती रहती है, वीडियो कॉल भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट बच्चे जो है उनसे नहीं हो पाती है। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू मीट मिष्टी एंड आटम। भाई बुरा हाल करेगी मिष्टी तो मेरा, और मैंने गलत सूट पहन लिए, सारे धागे निकाल देगी मिनट के अंदर मेरे, तो मुझे ना जाते ही आई थिंक सबसे पहले सूट चेंज करना पड़ेगा। अभी लिया है ये मैंने लाजपत से, अभी रिसेंटली आपको पता है अभी ये वाले चक्कर लिया है, तो ऐसा मेरे ऊपर कूदेगी वो कि सारे धागे निकाल देगी, तो ठीक है अभी। एनीवे चलो गाइस मिलती थोड़ी देर में। ये रहे मेरे न्यू नेल्स जो मैं अभी तक ढंग से आई थिंक दिखा नहीं पाई थी, लविंग देम। अभी लास्ट में इतना डार्क कलर लगाया हुआ था कि ये करवाए हैं, प्रीति ने सजेस्ट किए थे ये वाले, रियली रियली लविंग देम। पहुंच गए। माय बच्चा, मेरी जान, मेरी जान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यश यश यश। हटो कम यार, आजा हटो। अदरवाइज तो ये शांत होने नहीं वाले थे। मिश्रा नीचे आके खाओ बेटा, कम डाउन। हेलो हेलो, बैक होम फील सो नाइस, नॉट सो नाइस विदाउट कम्मू, बट कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा रात को। अभी चेंज कर लिया मैंने नहा धो के, और अब मैं ना रेस्ट करूंगी यार, मैं सुबह कब की उठी हुई हूँ तो, और रात को लेट भी सोए थे क्योंकि कल लास्ट रात थी वृति के साथ, तो थोड़ा बातें बातें कर रहे थे। तो अभी के लिए इतना ही, इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड ऑल द व्लॉग्स, और थैंक यू फॉर बीइंग देयर यार, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, खुशी में गमी में, थैंक यू।